गाइस वेलकम टू इमरान्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी फिशेज भी ठीक से होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक सेटअप विजिट करने वाले हैं एग्जॉटिक रेप्टाइल्स का। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया करें वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। पहुँच चुके हैं, लोकेशन थोड़ी सी हिडन है, ये छोटा सा फार्म है मेरे दोस्त का। तो इस फार्म पे सबसे पहले हमें वेलकम जिसने किया है वो है हमारा ये क्रोकोडाइल। ओ माशाल्लाह, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसको पकड़ रहा हूँ। इसकी स्किन देखें, सॉफ्ट होता है यार, ये लगता था ऐसा कि ये बड़ा हार्ड होता है लेकिन बड़ा सॉफ्ट होता है। वाह भाई। हाँ भाई ज़ुबैर, कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त मजा आ गया अभी देख के इसको। ने ये रेप्टाइल, सॉरी इसको क्या है कहते हैं, क्रोकोडाइल को वापस डाल दिया इस सेटअप में। देखें फिलहाल ये राइट नाउ इनके पास अभी इधर है, ये फार्म पे जाएगा। और उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, वो है ये। ओहो ज़बरदस्त भाई, इसमें दो हैं और साथ में स्नेल है। कलर बहुत अच्छे हैं यार इनके। तो भाई ये हमने निकाल लिया बाहर और ये देख सकते हैं, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है लेकिन फिर भी। और ये अच्छा खासा लेंथ में है और ये देखें थोड़ी सी फट रही है सच बताऊं तो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वो लग रहा हूँ बेवफा गुड हो गया है। बाकी ये दूसरे को भी हमने निकाल लिया, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है तो उसके साथ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो देख सकते हैं यार इसके कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन पहले वाला ज़्यादा अच्छा है, जो शरीफ होता है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। गुड यार, अच्छा इसको देखें आप ऐसे, अगर ऐसा करो वही सेटअप पे ये देख सकते हैं आप, ये हैमस्टर की फीमेल है, इसको अलग किया हुआ है और बड़ी क्यूट है, शॉर्ट छोटे बालों वाली है, लॉन्ग कोट नहीं है। तो सामने से दिखाता हूँ, दरअसल मैं भी यहाँ से अभी एक हैमस्टर लेके जाऊँगा, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिखाते हैं आपको ये भी चीज़ देखें आप, लेपर्ड लिजर्ड, बाकी इसका दूसरा नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर हैं इनके। इनमें दो हैं और बाकी एक जो है वो बेचारी थोड़ी डैमेज है, उसकी जो टेल है वो टूट गई। बाकी देखें यार क्या ख़तरनाक रेप्टाइल है, ये जितने ख़तरनाक होते हैं वैसे ये एक्चुअल में होते नहीं हैं इतने ख़तरनाक। जो अगर ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं उनको आप रख भी नहीं सकते, और ये रखने के लिए प्रॉपर ये घरों पे नहीं रखते, इसको आपको फार्म पे पूरा माहौल देना पड़ता है। तो जहाँ पर मैं भी आया हूँ ये भी फार्म ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई घर है। तो इसको आप अपने फार्म पर रखें अगर आप लोग को रेप्टाइल का शौक़ है तो। देखिए यार वॉक कितनी प्यारी लग रही है इसकी। बाकी ये देखें ये अभी अपनी स्किन उतार रही है, लेकिन बेचारी के साथ मसला यही हुआ कि ये आपस की लड़ाई में इसने अपनी टेल हटा दी। इसका फेस देखें, शर्मा क्यों रही हो, फेस दिखाओ अपना। वे फेस तो उसका बिल्कुल सांप की तरह है भाई। भाई अब हम कराने लगे हैं इसको फीड, और उसको फीड जो कराते हैं वो दिखाओ कैसे। वो इस तरह से एक छोटा सा माइस का बेबी इसको फीड करते हैं, आप लोगों को वीडियो में सही से दिख नहीं रहा होगा, ये देखें। अब क्या करें, इनकी यही फीड होती है तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि वो खिलाए इसको। तो ये हमने छोड़ दिया यहाँ पर, अब देखते हैं कि ये हम अभी इस वीडियो में कैप्चर हो पाता है नहीं पाता इसकी फीडिंग, क्योंकि ये थोड़ा शाय होता है, ये पहले टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद जाके ये अपनी फीड को अटैक करता है। देखते हैं क्या होता है।
भाई इसने अभी फीड नहीं ली, लेकिन जो जहाँ मैं आया हूँ मुझे उधर से गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट ये देख सकते हैं आप, इतना प्यारा सा। अबे भाई नहीं कर नहीं कर, टास्क को काट ना ले। तो ये हो गया हमारा छोटा सा हैमस्टर, इसका जाके सेटअप करेंगे। और ये अभी बेबी है, बहुत प्यारा सा बेबी है भाई। बाकी इसको घर जाके दिखाता हूँ मैं कि ये अफ्रीकन स्नेल भी देखें आप। मोस्टली स्नेल बाहर नहीं नज़र आते, लेकिन ये आपको बाहर नज़र आ रहा है। और ये बहुत बड़ा हो जाता है, जो स्नेल वगैरह रखते हैं, स्नेल का शौक करते हैं, उनको आइडिया होगा। ले लिया और अब हम निकलने लगे अपने घर। घर जाके मैं दिखाता हूँ कि इसको मैं कहाँ रखता हूँ, क्या टैंक सेटअप करता हूँ। तो यार ये मैं आ गया हूँ होटल पे। ये बेड यार, इसको ना फ्राई करके पराठे में डाल के दे दो। हैं अशरफ, ये लो। अबे मजाक नहीं कर रहा, सच में सही है, तुम खाओगे? खा लो यार। तो भाई ये हमारा हैमस्टर आ चुका है घर में, और मेरे साथ दोनों मिलके हम टैंक सेटअप करेंगे। मेरे भांजी माहिसा, मेरा भांजा माहिर। और अभी हम इसका घर देखते हैं कि घर इसका कौन सा बनाए हम लोग। तो भाई हैमस्टर आ चुका है हमारे रूम के अंदर, हमारे फिश रूम के अंदर। अब हमने सोचा है कि इसका टैंक कौन सा रखें, तो हमने टैंक सोचा है इसका ये, क्योंकि ये टैंक मेरे पास काफ़ी टाइम से था, इसमें थोड़ा लीकेज इशू आया था, तो इस वजह से इसमें ईजिली रह लेगा। तो अभी इसको थोड़ा साफ ऑफ करते हैं, और उसके नीचे फिर इसका सब्सट्रेट वगैरह डालते हैं, और फिर अपने इस हैमस्टर को छोड़ते हैं। और मुझे नाम सजेस्ट करेगा इसका नाम क्या रखूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। जो मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं वही इसका नाम रखूँगा। तो टैंक हमारा इसका साफ़ हो चुका है, हैमस्टर का घर साफ़ हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं, उसके वॉश करने के बाद इसको ड्राई करके फिर इसका टैंक सेटअप रेडी करते हैं, और देखते हैं कि इसकी लाइट अगर मेरे पास पड़ी है तो उसकी लाइट भी लगा देंगे, ताकि एक इसका बहुत खूबसूरत सा घर बन जाए। तो हमारा टैंक हो गया है हमारा साफ़ सुथरा, वॉश भी कर लिया मैंने। वॉश करने के बाद अब इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसके अंदर सब्सट्रेट वगैरह डाल के, लाइट वाइट लगा के हैमस्टर का बहुत प्यारा सा घर बनाते हैं। तो टैंक को साफ़ कर लेते हैं, बाहर से तो साफ हो गया, क्योंकि जब लाइट वगैरह जलेगी तो ये अच्छा हो जाएगा। अंदर तो थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हैमस्टर जो है ड्राई में रहता है, वो सारा पानी वगैरह सुखा देते हैं अंदर से, और इसको थोड़ा टाइम दे देंगे ताकि ये सूख जाए। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको रखें कहाँ पर, जगह कौन सी बनाएं इसकी, क्योंकि इधर तो सारे फिशेस हैं, इधर भी फिशेस फिशेस फिशेस, लेकिन हम इधर सोच रहे हैं कि, और हमें लाइट की जगह भी चाहिए, तो ये जगह को हम साफ़ सुथरा करके इस जगह को इधर हम रख देंगे हैमस्टर का घर, और जैसे हमें कनेक्शन भी मिल जाएगा। तो बस अब इसको रेडी करते हैं, क्योंकि ये सूख भी चुका है। तो अब इसको डाल देते हैं सब्सट्रेट। बिस्मिल्लाह, और ये अच्छा हो गया, इतना ज़्यादा कम नहीं है, ये अच्छी तरह इसमें हम फैला देते हैं। तो भाई हमारा आ गया सब्सट्रेट। अब आपको फ्रंट से दिखाते हैं इसका लुक, बहुत अच्छा डिसेंट से लुक आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ डेकोरेशन होनी चाहिए। क्या कहते हैं माया? यस होनी चाहिए। माया क्या कहते हैं? यस होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसके नाम कोई डेकोरेशन वगैरह का सोचते हैं। तो अब इसको रख देते हैं इसकी जगह पे, और इसकी जगह जो थी ये बहुत अच्छी लग रही है जगह यार, ये तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। आप इसका मैं लाइट कनेक्शन भी ऑन करके देखता हूँ कि कैसी लुक आ रही है, फिर उसके बाद हम अपने हैंडस्ट्रे को छोड़ेंगे यहाँ पर और थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। वाह, बहुत अच्छा लुक आ रहा है भाई। अब
इस पर रख देते हैं डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए हम रखेंगे इसको सेंटर में रख देंगे ताकि एक थोड़ा अच्छा सा लुक आए, या इसको सेंटर में रखते हैं पीछे रखते हैं ऐसे कर पीछे यूँ इधर रख देते हैं ताकि उधर से कोने में से घर आ जाएगा। ये आ गया भाई, 36 था लुक आ रहा है। तो अब बस ये रेडी है, इसके अंदर छोड़ते हैं अपने हैमस्टर को। इसका नाम मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स के अंदर, इसके नाम में क्या रखूँ। ये आ गया हमारा क्यूट सा हैमस्टर, कितना प्यारा है, कितना प्यारा सा ये। इसको छोड़ देते हैं इसके घर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाओ भाई अपने घर के अंदर। तो ये देखें भाई, जो हमारा पर्पस था वो पूरा हुआ। जो ये हमने एक आर्ट पीस रखा था, इसके अंदर हैमस्ट्रिंग घूम रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रहा है। और इसको क्योंकि अभी इसको लाया हूँ तो इसको फीड नहीं कराऊंगा, तो थोड़े टाइम के बाद इसको फीड कराएंगे और अभी इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा अपने नए घर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।